वंदो सद्गुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम अशुभहरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। श्री इंद्रावती लागे पाए सुनो प्यारे साथ जी तुम चेतोई न अवसर आयो हे हाथ जी आयो हे हाथ जी याद करो तुम साथ जी। आप धाम धनी श्री राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद मंचासीन विद्वत वर्ग याद करो तुम साथ जी प्रकाश की वाणी और प्रकाश की वाणी का पहला शब्द ही प्रकाश है। प्रकाश की वाणी का यह दूसरा प्रकरण है और इस प्रकरण के माध्यम से स्वयं धाम धनी उन चीजों को याद करने के लिए हमें मजबूर कर रहे हैं कि किस तरह तुमने ब्रज के अंदर जब 11 वर्ष और 52 दिन का वियोग सहन किया, 52 दिन के वियोग के बाद एक बार बांसुरी बज क्या गई, संपूर्ण ब्रजमंडल की गोपियों ने बांसुरी की आवाज को सुनते ही अपना शरीर छोड़ना शुरू किया और तामसिक सखियां जो सबसे पहले शरीर छोड़ के गई, रासिक स्वातसी सखियां स्वयं इस काल माया के ब्रह्मांड को छोड़ करके योग माया के ब्रह्मांड में पहुंची, ये पहला अवसर था। और इस पहले के अवसर में राज्य ने एक बार पुकारा और एक बार की पुकार में हमने ना दुनिया के पति को देखा, ना दुनिया के सास और ससुर को देखा, ना शायद हमने किसी परिजनों को देखा। हमारे लिए सब एक तरफ हो चुके थे और राज्य एक तरफ हो चुके थे और एक आवाज में हमने सब कुछ इस दुनिया को एक तरफ करके इस दुनिया को तुरंत छोड़ा और छोड़ करके हम स्वयं राज्य के पास पहुंचे। और यही घटना दूसरी बार यदि दोहराई जाए तो रास में राज्य ने केवल इतना कहा कि सखियों रास कैसा लगा, तो सखियों ने कहा कि रास तो अच्छा था लेकिन ये वियोग था, ये वियोग हमें सहन नहीं हुआ। और राज्य से सखियों ने इतना मांगा कि हे धाम धनी कुछ ऐसी जगह पर ले चलो कि जहां पर ना दुख हो ना विरह हो ना कष्ट हो ना कुछ हो। तब राज्य से हमने केवल इतना निवेदन किया हवे वाला एटलू मांगू खीणे कलगा ना थइए जी हां विरह नहीं चालो ते घर जाइए के हे धाम धनी अब ऐसी जगह पर ले चलो जिस जगह पर ना विरह हो ना कष्ट हो। ये दो ब्रह्मांड की बात है और दो ब्रह्मांड की बात के बाद ये तीसरे ब्रह्मांड का प्रसंग और तीसरे ब्रह्मांड के अंदर स्वयं राज्य हमें पुकार रहे हैं। स्वयं इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से उन सारे पीछे वाले घटनाक्रम को दोहरा रहे जिसके माध्यम से हमें ये पता चले कि हम किस तरह ब्रज और रास मंडल में कुर्बानी कर चुके हैं। और जागनी ब्रह्मांड में भी कम किसी ने कुर्बानी नहीं की। जागनी ब्रह्मांड में उन सुंदर सात को यदि हम दृष्टिपात करें जिनको बीतक में राज्य ने स्वयं वर्णित किया है और उनके प्रसंगों को पन्ना जी के प्रसंगों को याद करें तो पन्ना जी के प्रसंग याद दिलाते हैं। शाम का समय हो और शाम के समय में जब ध्यान की सभा लगी हो और ध्यान की सभा में जब राज्य इतना कहते हैं अब हम चले धाम को तुम हुजो होशियार,
और यही वाणी पुकार करके हर सुंदर साथ को कह रही है कि वो पन्ना जी का टाइम अभी भी नहीं गया। ये प्राणनाथ ज्ञानपीठ का पूरा मंडल ही, यहाँ का पूरा वातावरण ही ऐसा है कि जिस वातावरण में सुबह से शाम तक आपको केवल कुछ ही शब्द सुनाई पड़ेंगे, ध्यान, चितवनी और सत्संग और ज्ञान, सत तप ज्ञान और कर्म, ये चार चरण ही इस पूरे वातावरण में आपको सुगंध के रूप में भी दिखाई देंगे और उसकी वातावरण की महक भी वैसी है और उस महक से आभास होता है कि यहाँ का वातावरण भी वैसा है जैसे वो पन्ना जी की धरती में ध्यान, साधना और तप का प्रसंग चल रहा है। तो इसलिए उस वाणी के माध्यम से राज्य पुकार रहे और वाणी ने इस बात को स्पष्ट रूप से राज्य ने पुकार करके कहा, चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, कि हे मेरे सुंदर साथ, इस नश्वर दुनिया को छोड़ करके, इस ब्रह्मांड को छोड़ करके अब ये अवसर आ गया है कि आप ब्रज मंडल को क्यों, आप रास मंडल को क्यों दोहराना चाहते हो। ब्रज मंडल और रास मंडल की ये बातें तो पीछे छूट गई हैं, लेकिन वर्तमान बातों को याद करिए। आपको प्रसंग शायद याद होगा जब जयराम भाई कंसारा को धाम धनेश्वरी जी साहब समझाते हैं कि हे जयराम भाई कंसारा, ब्रज में आपने गौपद वच की तरह इस ब्रह्मांड को छोड़ा, फिर यहां क्या हो गया, ऐसा कौन सा काम आपको जागृत हो गया जिसके कारण से बोले आप इस बर्तनों के चक्कर में ना कभी नवतन पुरी पधारे, ना सदगुरु महाराज के अंतर ध्यान के लीला के समय में आए, ना बिहारी जी चाकले पर गादी पर बैठे तो भी नहीं आए, इतना समय व्यतीत हुआ तो भी आप नहीं पधारे। और वही बात सुन करके स्वयं जयराम भाई कंसारा रो पड़ते। उनको ये आभास होता है कि शायद मैं उस कार्य में पीछे रह गया। और हम सुंदर साथ को भी याद दिलाती है ये वाणी, बीतक साहब का श्रावण महीना याद दिलाता हर सुंदर साथ को, वो घड़ियां, वो पल याद दिलाता है, वो प्रसंग याद दिलाता है कि हम शायद किसी ऐसी लाइन में तो नहीं खड़े कि जयराम भाई कंसारा को झंझोड़ना पड़ता है, उनको आवाहन करना पड़ता है, पुकारना पड़ता है कि चलो जागृत हो, उठो, कहाँ तुम सो रहे हो। और जयराम भाई कंसारा जागृत होते हैं, शायद हमें भी वाणी पुकार रही है और वाणी के यही शब्द 18,758 ये चौपाइयाँ इस जागनी ब्रह्मांड की वो बांसुरी है, शायद ब्रज में बजी और उस ब्रज में बजी उस एक बांसुरी की आवाज से गोपियों ने शरीर छोड़ा होगा, लेकिन ये बांसुरी हर एरिए में, हर गांव में, हर जगह में, हर स्टेट में, हर देश में बज रही। और इस सभी घटना को सुनने वाले तमाम सुंदर साथ को केवल एक ही पुकार है, चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। केवल एक ही आवाज है, एक ही नारा है और एक ही नारा के लिए ये वाणी हमें सुंदर साथ को एकजुट होने के लिए कह रही है। इसलिए कह रहे, याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। ये अवसर है, अवसर का तात्पर्य यदि वक्त मिला, और कहावत कही जाती कि यदि जिसने वक्त की कदर की, समय की कदर की, तो समझ लीजिए समय उसकी कदर करेगा। यदि वक्त की कदर व्यक्ति नहीं कर सका तो समय उसकी कदर नहीं करता। इसी के लिए तो कहा गया, समय समय बलवान, पुरुष नहीं बलवान। काबुल अर्जुन लूटिया, वही धनुष वही बाण। कि वक्त था महाभारत के रण मैदान में, जिसकी टंकार सुनने के बाद योद्धा पीछे हट जाते हैं। वही योद्धा जब एक ऐसे एरिया में घिरता है जहां भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां बंदी बनी जाती है, उनको बंदी बना करके लेकर के जाया जाता है और स्वयं अर्जुन के बाण छीन लिए जाते हैं, उनका धनुष गांडीव छीन लिया जाता है, लेकिन अर्जुन उनकी रक्षा नहीं कर पाता। इसलिए वक्त की कीमत जो समझता है वही व्यक्ति ही इस ब्रह्मांड के अंदर समय के साथ चल पाता है। भर्तृहरि अपने सुंदर शब्दों में कहते, आयुर्वर्ष शतम निणाम परिमितम रात्रौ तदर्थम गतम, कि जितनी जीवन जिंदगी मिली है उस जीवन रूपी यात्रा में, कि आधी यात्रा तो तुम्हारी सोने में जाती है और आधी यात्रा तो दिन में जाती है। इसीलिए कर आयुर्वर्ष शतम
रात्रौ तदर्धम गतम, कि रात्रि आपकी चली गई और बचा क्या? तो बोले तस्यार्धस्य परस्य चार्धम परम, कि उसमें से यदि आधा कर दिया जाए तो बालत्व वृद्धत्वयो, कि उसमें से आधा बच जाता है तो वो बचपन और वृद्धापन ये दोनों ही भक्ति के लायक नहीं। क्यों? बोले बचपन में व्यक्ति का जो मन मस्तिष्क होता है या तो खेलने में या फिर इस संसार की रौनकता को देखने में लगा रहता है, और रहा पीछे वाला समय, ये पीछे वाला समय शरीर की पीड़ा में व्यतीत हो जाता है, व्यक्ति बचपन में नहीं कर पाता और बुढ़ापे में उस पीड़ा के कारण कुछ नहीं कर पाता, रहा वक्त बीच का। और बीच के समय में यदि व्यक्ति सावधान नहीं हुआ, बीच के टाइम में यदि व्यक्ति सावधान नहीं रहा, तो वाणी उनके लिए यही कहती है कि यही एक अवसर है, और इस अवसर को यदि आपने खो दिया, ये अवसर आप भूल गए, और भूलने के बाद इस अवसर को आप वापस नहीं ला पाएंगे। इसलिए प्रकाश की वाणी का तात्पर्य यही होता है कि जो इस दुनिया के अंधकार में डूबा, जो अज्ञानता में डूबा, उन सभी को निकालने के लिए वाणी आई है। और प्रकाश वाणी को जब अवतरित होते समय एक नाम रखा गया कुरान के अनुसार, कि इस वाणी का नाम ही जंबूर है। जंबूर का तात्पर्य होता है एक इस प्रकार की हथौड़ी या यंत्र जो लकड़े में फंसी किल्ली को निकालती है, और उस किल्ली को निकालने के बाद ये यंत्र सिद्ध करता है कि कैसी भी किल्ली और कैसा भी लकड़ा हो उसमें से ये यंत्र अवश्य निकालेगा। और ये वाणी उन्हीं सुंदर साथ को सभी लोगों को पुकार करके केवल इतना कहती है कि इस अंधकार में दुनिया में फंसा मानव, इस अंधकार में फंसा हर सुंदर साथ, उनके लिए प्रकाश की वाणी इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली वाणी है, जिसको उपनिषद पुकार करके कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, कि हे मानव अंधकार से प्रकाश की ओर चल, हे मानव अस्तो मा सद्गमय, कि हे मानव असत से सत्य की ओर चल, हे मानव मृत्युर मा अमृतम गमयति, कि हे मानव मृत्यु से अमृत की ओर चल। ये अमृत की ओर जाने के लिए पुकार करके कह रही है, और अमृत कौन? स्वयं अमृत स्वरूप पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, जिनको वेदों ने कहा अकामो धीरो अमृतो रसेन तृप्त, कि जो कामना रहित हो, जो वासना रहित हो और स्वयं रस से परिपूर्ण हो, और रस से परिपूर्ण वो परब्रह्म स्वयं अमृत का खजाना हो, और उस अमृत के खजाने तक ले जाने के लिए वाणी आई है। इसलिए तो सारी दुनिया के अंदर जब हरिद्वार का प्रसंग आता है तो समस्त सुंदर साथ को याद दिलाया जाता है कि तुम किसी गंगा और यमुना में कहां अमृत ढूंढ रहे हो। बोले अमृत कहीं है तो बोले आपके हृदय में पड़ा, अमृत कहीं है तो वो परम धाम में है, और उस अमृत के लिए आप इस दुनिया को छोड़ो। वो अमृत रूपी परब्रह्म को जिस दिन आप आत्मसात करोगे, जिस दिन आप अपने हृदय में बिठाओगे, निश्चित वो दिन आपका होगा कि उस दिन आपने अमृत का रसपान किया। वरना यही अमृत को ढूंढने के लिए लोग अनेक यात्रा करते हैं, लेकिन यही अमृत यहां वाणी दे रही है, और इसी ज्ञान की तरफ ले जाने के लिए, प्रकाश की तरफ ले जाने के लिए ये वेद भी पुकार करके समस्त प्रजाजनों को, समस्त मानवों को संदेश दे रहे। वेदा हमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्ण तमसह परस्तात, के हे मानव तमस यानी ये प्रकृति से परे, हे मानव ये अंधकार से परे, वो एक सत स्वरूप परमात्मा है। तुम कहां इस दुनिया के ऐसे मंडल में फंसे हो, कहां इस संसार के भव बंधन में फंसे हो, ये ब्रह्म ज्ञान आया, और ये ब्रह्म ज्ञान स्वयं आपको उस प्रकाश की ओर ले जाने के लिए। इसलिए प्रकाश ग्रंथ हर सुंदर साथ को संदेश दे करके उस परब्रह्म तक ले जाने के लिए आया है। प्रकाश का मुख्य उद्देश्य, इंद्रावती की आत्म अपने जीव को बार बार झंझोड़ती है कि हे जीव तू इस दुनिया में कहां फंस रहा है, इस दुनिया के मोह और माया के बंधन में कहां लिप्त हो रहा है, क्योंकि यही मोह माया का बंधन एक दिन तुम्हें यहीं डुबो करके खत्म कर देगा। जिस अवसर के पीछे, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, जिस बंधन के पीछे भाग रहे हो, यही एक समय होगा, और इस समय के साथ साथ तुम्हारी दशा यहीं पूर्ण हो जाएगी। एक उदाहरण
और इस उदाहरण के माध्यम से एक कहावत ये कही जाती है कि भगवान शिव की भक्ति करने वाला एक भक्त, रोजिंदा स्वयं ओम नमः शिवाय का जाप करने वाला भक्त, जिनको भगवान शिव लेने आए तो वो कहता है कि मैं अभी कैसे आ सकता हूं, क्योंकि अभी मेरे संतानों की शादी नहीं हुई। संतानों की शादी हो गई फिर लेने आए तो कहने लगे, अभी तो हमने लल्ला का दर्शन नहीं किया, अभी समय और दे दीजिए। थोड़ा वक्त और गया, और जाने के बाद फिर लेने आए तो बाद में पता चला कि इसी का ही राम नाम स्वाहा हो गया। और जब उसका राम नाम स्वाहा हो गया, भगवान शिव ने देखा तो कुत्ता बन करके घर के आंगन में बैठा है। आंगन में बैठे कुत्ते से बात की, अब तो चल ले, अब तो तेरी योनि बदल गई। तो कह रहा है कि बहू और बेटे को भी समझदारी नहीं आई, दरवाजा खुला छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए दरवाजा की रक्षा करना और सुरक्षा करना मेरा काम है। सोच लीजिए कि यही दशा है। वक्त चलता जाता है, कुत्ती की योनि पूरी होती है, कुत्ते की योनि भी पूरी हो गई, वो व्यक्ति कुत्ते की योनि से कीड़े की योनि में चला गया, और कीड़े की योनि में जाने के बाद जहां उसकी बहू गंदा पानी डालती उसी नाली में उसका जन्म हुआ। भगवान शिव फिर से आए, फिर से कहा अब तो चल लो। वो कह रहा है कि मेरे अलावा दुनिया में और कोई नहीं, मैं ही क्यों। अब समझ सकते हो कि यही लीला है, कि बंधन यही है। भक्ति करता करता मानव कभी कभी मोह के बंधन में ऐसा पड़ता कि भूल जाता है उन चीजों को, भूल जाता है आत्मा को, भूल जाता है परमात्मा को, और यही अवसर मिला है। इसलिए करे हाथ आयो अवसर जी के, एक बार अवसर मिला, और यही अवसर है सप्त दिवसीय यात्रा या सप्त दिवसीय सत्संग कार्यक्रम। ये अंदर की यात्रा है, और अंदर की यात्रा में केवल आत्मा को ही समझे, परमात्मा को ही समझे। यहां आने के बाद यदि हम व्यर्थ में अपने समय को गंवाते हैं तो समझ लीजिए कि 7 दिन हमारे व्यर्थ गए, 7 दिन हमारे बेकार हो गए। इसलिए 7 दिन में जितना ले सको उतना लेने की कोशिश करना, और यही जागनी ब्रह्मांड के लिए शुभ अवसर है। और इसी शुभ अवसर को राज्य याद दिला रहे हैं, आप डारा जो पहले फेरे। ब्रज की बातों को मैंने पहले दोहराया और उसी को बात में कह रहे हैं कि जैसे आपने पहले अपनी कुर्बानी की, इसी तरह इस ब्रह्मांड में क्यों नहीं कर सकते, अवश्य कर सकते हैं। यदि हम इस ब्रह्मवाणी को अपने हृदय में उतार करके इस वाणी के पद चिन्हों पर चल सके, और हम जिस वाणी को आत्मसात करते हैं उस वाणी के हरेक चौपाई में, हरेक चरण में ये पुकार है। राजी तो हमें स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं रह ना सकूं रूहो बिन, रूहे रह ना सके मुझ बिन। राजी हमें सदा पुकार रहे हैं, यदि कह रहे कि यदि आप एक कदम मेरी तरफ बढ़ाते हो तो मैं आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाने को तैयार हूं। लेकिन हम उन तरफ तो बढ़े तो सही, हम राज्य की तरफ बढ़े तो सही। इसलिए वाणी की ये प्रकाश का ग्रंथ सदा मानव के हृदय में पड़ा अज्ञान, उस अज्ञानता का नाश करने के लिए हमारी बौद्धिकता के अंदर, हमारे चित्त के अंदर, हमारे मन के अंदर, जिस मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, चित्त के अंदर संस्कार जो दुनिया के पड़े हैं, उन संस्कारों को हटा करके, उन सारी चीजों को हटा करके हमें राज्य महाराज परम धाम की ओर पुकार रहे हैं। और यही अवसर है, रास की वाणी की सुबह की चर्चा हर व्यक्ति को याद दिलाती है कि वो रसमय स्वरूप, वो ज्ञानमय स्वरूप, आनंद का स्वरूप परमात्मा आपको ध्यान के माध्यम से आनंद और रस देना चाहता है। ज्ञान के माध्यम से आपको उस परब्रह्म का आनंद रूपी रस पिला रहा है। और जिसने इस खजाना को हृदय में बिठाया, दुनिया जहां खोजने निकली वहां परमात्मा नहीं मिला, लोग जहां खोजने निकले वहां परमात्मा नहीं निकला। वाणी तो उस हृदय को कह रही है कि जो हृदय कई युगों से अंधकार के अंदर पड़ा हुआ है, इस अंधकारमय हृदय के अंदर इस ब्रह्मरूपी ज्ञान का उजाला करो। जैसे चिंतामणि जी महाराज को श्री जी साहब ने कुछ ही ज्ञान की बूंदों का रसपान करवाया, कुछ रसपान करने के बाद दूसरे दिन स्वयं चिंतामणि जी महाराज
कल्लू मिश्र जी के यहां आकर के पूछते हैं कि क्या आप श्रीजी साहब को जानते हैं, आप उनके बारे में पहचानते हैं। कल्लू मिश्र जी कहते कि हमें इतना पता है कि उनका सत्संग नाथा जोशी के यहां हो रहा। ज्ञान का पिपासु मानवी जब एक शब्द हृदय में उतरता है तो शायद सब कुछ छोड़ करके चल पड़ता है। ना देखा उन्होंने अपना महंतपना, ना देखा उन्होंने अपना मठाधीशपना, सारी चीज और सारा अहंकार छोड़ करके एक धाम धनी के चरणों में आकर के ज्ञान को हृदय में उतारते, सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? इस ज्ञान के कारण से। और वाणी का ये प्रकाश ग्रंथ, रास का ग्रंथ हर मानव को उस गहराई में ले जाना चाहता है कि जिस गहराई में केवल आनंद ही आनंद भरा पड़ा है। रास क्या है? रास परमात्मा और आत्मा का वो आनंदमय रस है जिस रस में डूबने के बाद व्यक्ति केवल एक हो जाता है, जिसमें दो बसने की कोई बात ही नहीं कही जाती। ऐसा वो रसमय और ऐसा आनंदमय ये ग्रंथ, और इस ग्रंथ के बाद ये प्रकाशमय ग्रंथ कि यदि रास के बाद यदि हम भूले हैं और दुनिया में आए हैं तो वाणी कह रही कि भले आप परम धाम में से दुनिया में आ गए लेकिन प्रकाश तुम्हारे लिए फिर से वाणी लेके आए। और प्रकाश की वाणी कह रही कि भीड़ आ रही हो निशंक फेर जी, कि जैसे आपने उस तरह कुर्बानी दी थी ब्रज में, वैसे बोले इस जागनी ब्रह्मांड में भी कुर्बानी कर सकते हो। ये वाणी रूपी वासुरी, ये वाणी रूपी सत्संग, ये वाणी रूपी ज्ञान हर मानव तक पहुंच रहा है। चाहे YouTube हो, चाहे ये सत्संग के जूम मीटिंग हो, चाहे Facebook हो, सभी के माध्यम से, वक्ताओं के माध्यम से ये वाणी हर घर तक पहुंच रही। और यही बांसुरी की आवाज है, ये धाम धनी की आवाज है। और इस आवाज के साथ साथ वाणी की अगली चौपाई कह रही सुंदर बाई इन फेरे, इस बार कौन? तो बोले स्वयं हमारी श्यामा महारानी इस जागरी ब्रह्मांड के अंदर आए हैं साथ कारण जी। किस लिए आए हैं? तो बोले समस्त सुंदर साथ के लिए। स्वयं श्यामा महारानी 30 वर्ष की लंबी यात्रा करके अक्षरातीत की खोज में निकालती है, हर सुंदर साथ को याद दिलाती है कि यदि मेरे अंदर 3 सवाल जागृत हुए कि मैं कौन, कहां से आया और कहां है मेरा भरतार, ये 3 सवालों ने मुझे सोने नहीं दिया, मुझे बैठने नहीं दिया, मुझे उमरकोट और मारवाड़ देश जैसा देश छुड़वा दिया। तो बोले आपको 7 दिन के कार्यक्रम के लिए घर नहीं छुड़वा सकते, 7 दिन के इस कार्यक्रम के लिए बोले हम घर नहीं छोड़ सकते। श्यामा महारानी की ये 30 वर्ष की यात्रा हर सुंदर साथ को याद दिलाती है कि मैंने तो 30 वर्ष यात्रा की, आप तो 7 दिन की यात्रा कर सकते हो। और इसीलिए भेजे धनिये आवेश दे के, प्रसंग थोड़ा बदलता है। और धाम धनी श्री राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आवेश की बात और आवेश स्वरूप में स्वयं पधारे, आवेश दे करके भेजने का तात्पर्य है कि स्वयं धामधनी श्यामा महारानी जी के हृदय के अंदर विराजमान है। पर कैसे विराजमान है? सूक्ष्म रूप से विराजमान है लेकिन आभास नहीं होता है। और आभास नहीं हुआ इसलिए 3 सवाल खड़े हुए। जब 16 वर्ष की आयु में निकले तो 16 वर्ष की आयु में जब राज्य ने पहली बार दर्शन दिया तो शायद उनको कोई पठान समझा, कोई डाकू समझा, लेकिन आत्मा की दृष्टि से नहीं देख पाए। इसीलिए कह रहे कि जैसे लकड़ी में अग्नि निहित होती है, इसी तरह हर सुंदर साथ के हृदय में, हर आत्मा के हृदय में परमात्मा निहित है, सूक्ष्म रूप से विराजमान है लेकिन तब तक हमें नहीं दिखते जब तक अपनी कुर्बानी और हम कसौटी पर नहीं उतरते। श्यामा महारानी जी को 30 वर्ष तक कसा गया, परीक्षा में उतारा गया। और परीक्षा में जब उतारा गया और उतरने के बाद जब श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिया, और श्याम जी के मंदिर में दर्शन देने के बाद जब साक्षात दर्शन हुआ तब श्यामा जी को पता चला कि मैं किन की खोज में थी। वरना पहली पहचान, पहली मुलाकात और पहली पहचान डाकू के रूप में हुई, दूसरी पहचान श्री कृष्ण जी के रूप में हुई, और तीसरी पहचान जब करने का समय आया
राजी सामने खड़े है, श्यामा महारानी देख रही है, पर देखते हुए ये नहीं बता पा रही है कि आप कौन हो। केवल इतना उत्तर देती है, राजी पूछते कि क्या आप मुझे जानते हो, तो केवल उत्तर में इतना मिलता, हम इतना जानत तुम हमारे खावंद, कि हम इतना जानते कि आप हमारे खावंद हो। और जब साक्षात स्वरूप में दर्शन दिया तब उनको पता चला कि राजी हमारे साथ थे। इसलिए वाणी में कई जगह कहा, हक सहरक से नजीक आड़ो पटना द्वार, कि राजी हमारे साथ है, लेकिन हम राजी को देख क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि हमें भी इस दुनिया का मायावी रूपी पर्दा पड़ा है, और इस पर्दे को जब तक हम नहीं हटाएंगे, जब तक हम उसको अलग नहीं कर पाएंगे, तब तक हमें राजी नहीं दिखेंगे। श्यामा जी को राजी दो बार मिले, लेकिन दो बार अलग अलग रूपों में मिले, इसीलिए कहीं मूर्ति पूजा तो ना जाने कभी कापालिक साधु, तो ना जाने कोई और साधु। कितने लोगों के पास उन्होंने खोज की, और खोज करने के बाद एंड में राज्य ने पहचान करवाई, यानी राज्य साथ में थे। कई बार इस चौपाई के माध्यम से एक सवाल खड़ा होता है कि 1638 से लेकर के 1678 तक राज्य कहाँ थे, क्योंकि राज्य तो पहले कह चुके हमको खेल दिखलावने काज, हमसे पहले आए श्री राज, की हमसे पहले राज्य इस दुनिया में पधार गए थे, तो फिर कहाँ गए थे। तो उसका पूरी ब्रह्मवाणी का ये सिद्धांत है, ब्रह्मवाणी इसी माध्यम से बताना चाहती है। ब्रह्मवाणी कहना चाहती है कि भाई सूक्ष्म रूप से राज्य श्यामा महारानी के हृदय में विराजमान थे, लेकिन श्यामा महारानी के अंदर जो माया रूपी पर्दा पड़ा था, ये पर्दा जब तक नहीं हटा तब तक राज्य नहीं मिले। पर जिस समय ये पर्दा हट गया, और पर्दा हटने के बाद श्यामा महारानी जी को प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, और प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद जब बातचीत हुई, बातचीत में श्यामा महारानी पूछती है कि हे धामधनी, अब आप कहाँ जाने वाले हो। तब राज्य महाराज कहते हैं, तुम्हारे आकार में आए के बैठे हम, कि हम कहीं और नहीं, आपके अंदर ही, आपके हृदय स्थल में ही बैठने वाले हैं, और आपके हृदय में ही लीला करने वाले हैं। इसीलिए ये ज्ञान का अवसर, और ये अवसर हमें ना खोने की जरूरत है। हर सुंदर साथ सप्त दिवसीय इस कार्यक्रम में पधारे हैं, हर सुंदर साथ समयसर पधारे और इस कार्यक्रम का लाभ ले। ये वाणी हमें पीछे के प्रसंगों को याद दिलाती हुए, ब्रज रास 10 वर्ष की पन्ना जी की उन लीला को याद दिलाती हुई केवल इतना कहना चाहती है कि चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम की, इस दुनिया को छोड़ करके, आज इस ब्रह्मांड को छोड़ करके ये सो अवसर प्राप्त हुआ है, इस अवसर को ना गमाते हुए आप इस अवसर का सदुपयोग करके इस वाणी को अपने हृदय में उतारे और परमात्मा को अपने हृदय में उतारे। तो यही वाणी का और संपूर्ण इस वातावरण का ये असर है, ये पूरा वातावरण ही चितवन और ज्ञानमय है, इसीलिए इस अवसर का हर सुंदर साथ लाभ उठाए। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ। चौपाई दोहराएंगे, सुंदर बाई इन फेरे आए है साथ कारण जी, भेजे धनिये आवेश दे के, अब न्यारे ना होए एक खीन जी। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।